श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरने रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कर्नाटक के सियासी गलियारों में अब हनुमान की एंट्री हो गई है। अब हनुमान के नाम पर सियासत हो रही है। इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो से। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी। जैसे ही कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की, सियासत शुरू हो गई। बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ रिएक्शन आने लगे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक की जनसभा में कांग्रेस को घेर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। इस बात पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हनुमान चालीसा दोबारा पढ़ने की नसीहत दी है और कहा है कि हनुमान के समकक्ष बजरंग दल की गुंडागर्दी का नाम लेना हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। हनुमान चालीसा को दोबारा से पढ़िए, उसके आगे की सूक्ति और पीछे के दोहे सब पढ़िए मोदी जी, क्योंकि श्री राम के परम भक्त जब वो सीना चीरते हैं तो उसमें राम सीता सहित विराजमान है, जिनसे हम बल की, पराक्रम की, भय मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे हनुमान के तमाम उन अनुयायियों के साथ, ऐसे तमाम उन हिंदुओं के साथ जो हनुमान के भक्त हैं, उनके साथ आपने प्रभु हनुमान को गुंडागर्दी और बजरंग दल के गुंडों के साथ समकक्ष खड़ा करके हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए इस देश से माफी मांगिए और हनुमान जी को दोबारा से पढ़िए और समझिए। कांग्रेस की ओर से कई दिग्गज नेता ने माफी की मांग की है। चलिए अब आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर कांग्रेस माफी की मांग कर रही है। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है।